सुबह का फोन आया था, उसने उसको लंच में इनवाइट किया था। ठीक है। पापा उसको लेके आए ना पापा, पापा उसको मारेंगे। उसे कुछ नहीं होगा बेटे, कोई नहीं मारेगा, रिलैक्स। हेलो, जरा एसपी साहब से बात कराइए भाई। जी मैं फैसल बोल रहा हूँ। हाँ वही फैसल, टेलीविजन वाला जी, जी प्लीज जरा जल्दी बात करा दें। एसपी साहब सामने, फैसल बोल रहा हूँ, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। ये वो कोई सरकारी अफसर है, उनकी बेटी आतिफ के दोस्त है, शायद उन्होंने उन दोनों को कहीं मिलते हुए देखा और पुलिस में रिपोर्ट करवा दी, क्योंकि पुलिस घर पे आकर आतिफ को ले गई। जी शायद अपने ही वाले थाने पे ले गई होगी। जी हाँ प्लीज जरा आप वहां फोन करवा दें। हाँ ऐसा ना हो कि कोई उल्टा सीधा पर्चा काट दे वो उसके खिलाफ या कोई तशद्दुद करने लगे। जी जी थैंक यू वेरी मच, मैं खुद भी वहीं जा रहा हूँ। जी थैंक यू। नहीं तो वो क्या लगा है, और क्या रिश्ता उसका बाप? आपको ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? कसूर तो हमारी बेटी का है, इसी ने फोन करके उसको बुलाया था। हाँ बुलाया था, और अब मैं ही जाऊंगी गवाही के लिए। तो सीधी तरह बुलाओ उसे, आकर तुम्हें ब्याह कर ले जाए, तुम्हें एक देना नहीं दूंगा मैं कैप्शन की कमाई से कुछ लेना भी नहीं चाहती। बकवास बंद कर दूं, ये सब उसका जहर बोल रहा। इतनी तो खामी सब कैसे हो सकता है, ये सब जानते हैं। पापा आपने बेईमानी की है, मुनाफ़कत की है, आपने जो भी जमा किया है अब वो हमारी नजर जाएगी। आप जेल में जरूर जाएंगे और कभी भी खुश नहीं रहेंगे, कभी भी नहीं। इसको चुप कराओ वरना मैं गला दबाना नहीं जानता। बस अब इसी की कसर बाकी थी। इसका यहाँ कोई रिश्ता कराओ, हमें बाहर कहीं जाकर के सेटल होना है और ये यही मरेगी। आपने जाना नहीं भागना है, चलो चोर भागते। पापा क्यों कमाया इतना, किसके लिए कमाया इतना, क्यों बनाए इतने महल, क्या मिला आपको इतनी सारी बेईमानियां करके, जब आप अपनी बेटी को खुशी भी नहीं दे सकते। ऐसे ही ना बस, बस आप रहने दीजिए, तुम ना आने क्या हो गया इडियट। मेरे बेटे को किस जुर्म में गिरफ्तार किया है? फैसल साहब हमारे पास कुछ शिकायतें थी वालदैन की कि हमारे बच्चे को छेड़ा जा रहा है, घरों पे फोन आते हैं और पर्स छीनने की वारदातें भी हुई है हमारे इलाके में। जिसकी शिकायत पे आपने उसे गिरफ्तार किया है गालिबन वो मिस्टर रशीद हैं जो आपके दोस्त हैं। उसने जिस लड़की का पर्स छीना है या जिस लड़की को छेड़ा है उसको यहाँ बुलाए? फैसल साहब ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि शरीफों की बच्चियाँ थानों में नहीं आती हैं, हमने उनका बयान ले लिया है। मैं उसका बयान देख सकता हूँ? मैं उसके दस्तखत देखना चाहता हूँ। वो हम अदालत में दिखाएंगे। मेरे बेटे को बुलाइए और उसके सामने बात कीजिए। आप लोगों ने सारे मुल्क में दहशत फैला रखी है, अदालतें रोक चीख रही हैं कि पुलिस ने अंधेर नगरी मचा रखी है। जी सर, सर हमने पकड़ा उसे। जी सर, सर मैं अभी करता हूँ। लाइए मेरी बात कराइए उनसे। सर मैं अभी जाता हूँ। मेरी बात कराए उनसे। ओके रमजान। जी सर। रमजान सर क्यों ले गया? ये बात प्रेस में जाएगी, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। यहाँ के सर साहब एक तो सिफारिशें करवाते हैं, ऊपर दरिया लगाते हैं, हमें आपके जी में जो आए वो कीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक आगे जाओ, चलो। दैट्स ऑल योर ऑनर, थैंक यू। जनाबे वाला, मुलजिम ने अगवा किया है या नहीं, फिलहाल इस बात को हम एक तरफ रखते हैं। यह साबित हो चुका है कि मुलजिम ने कत्ल किया है
और मुल्जिम असलम ने तमाम गवाहों की मौजूदगी में इस कत्ल का इतराफ किया है। अगवा की सजा जो भी हो मगर कत्ल की सजा सिर्फ मौत है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन। जनाबे वाला, मुल्जिम पर कत्ल का मुकदमा बिल्कुल वाज़े है। अगर वकील सफाई मजीद गवाह पेश करना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं। जनाबे वाला, पहले अगवा का मुकदमा वाज़े होना चाहिए, फिर कत्ल की नौयत सामने आएगी। यह कत्ल जनाबे वाला सेल्फ डिफेंस में हुआ है। मेरे मौकिल की जान को खतरा था, सिर्फ उसकी जान को नहीं बल्कि आल्फा की जान को भी, और मेरे मौकिल मोहम्मद असलम ने यह गोली अपनी और आल्फा की जान बचाने के लिए चलाई, और वो गोली अंधी थी, ऐसे कि मेरे मौकिल मोहम्मद असलम ने पीछे मुड़कर यह फायर किया था। जनाब वाला, इसलिए इन हकायक की रोशनी में मेरे मौकिल मोहम्मद असलम को जमानत पर रिहा किया जाए। जमानत नामंजूर की जाती है। अगली पेशी पर मजीद गवाह पेश किए जाए या अदालत बर्खास्त की जाती है। हेलो जी, कौन? और दे अपने बाप को। काके, नाम बताइएगा जरा आप अपना। और नाम ही जानना चाहते हो तो सुनो, छब्बा तूतिया वाला मेरा नाम है। अच्छा, काम क्या आपको? ताली लगानी है तेरे बाप को। दे पापा, आपका फोन है। कौन है? पता नहीं, कोई धमकी दे रहा है। हेलो। अब आए ना लाइन पे। अब बाबूजी, मैं तूतिया वाला, पुलिस का रिकॉर्ड याफ्ता। हाँ हाँ, बको, क्या बकना चाहते हो? तो बाबूजी, बात भी कर लेंगे, थोड़ा दहशत तो डालें। हाँ, बहुत पड़ गई तुम्हारी दहशत, बोलो क्या बोलना है। हमें पता है तुम्हारी छोटी बेटी कहाँ पढ़ती है, कब वो स्कूल के फाटक से बाहर आती है, कब वो कैंटीन पे जाती है और कब वो मार्केट जाती है। तुम कहना क्या चाहते हो? हमें ये भी पता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ पढ़ता है, कब वो यूनिवर्सिटी जाता है, कब वो डेट पे जाता है। और बाबूजी, हम चाहें तो तुम्हारे बच्चे अगवा कर सकते हैं। अगर तुमने आरफा को अपने घर से बाहर नहीं निकाला ना, तो समझो कुछ भी हो सकता है। बकवास बंद करो। कौन था पापा? ऐसे बेटा कोई बदमाश। तुम यूनिवर्सिटी जाते हो तो इसे एहतियात बरतना, क्यों नहीं धमकी दे रहा था? आरफा किधर है? आरफा, आरफा। जी सर। देखो, मुझे फोन पर धमकियां मिल रही, हालात कुछ ठीक नहीं है, तुम्हें मजीद मोहतात रहना पड़ेगा। तो सर, मैं किसी दारुल अमान चली जाती हूँ, पर वो मुझे वहां पर भी नहीं छोड़ेंगे। नहीं, फिलहाल तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। तो फिर मुझे किसी और ही शहर भेज दें। नहीं, जब तक केस चल रहा है तुम ये शहर छोड़कर नहीं जा सकती। पापा, आप क्यों खामखा रिस्क ले रहे हैं? बेटा, I know what I'm doing. अगर कोई फोन आया आरफा के लिए तो तुम कह देना कि ये यहाँ काम नहीं करती, बल्कि तुम छोटी और बड़ी को तो बताओ ही मत। आपके ख्याल में ये केस हम जीते जाएंगे ना? इंशाल्लाह तआला जरूर। अभी तक तो केस ठीक जा रहा है। आप चाहे तो जो हमारी जमीन का टोटा बचा उसको भी बेच दें। क्या कर लेगा तू? क्या करेगा तू? फिर किसी को कत्ल करेगा और जेल में बंद हो जाएगा। ये फजूल सी झोपड़ी के पीछे सारा घर तबाह कर दिया तूने। देखा है, आप लोगों को कुछ बेचने वैसे की जरूरत नहीं। मैं इस केस की कोई फीस नहीं ले रहा। आप लोगों को तो मालूम है इस केस में फैसल साहब की मदद शामिल है। वकील साहब की फीस से ज्यादा तो जेल वालों के खर्चे, हर मुलाकात पर उन्हें कितना कुछ देना पड़ता है। तो ना है करना, तू क्यों मिलने आ जाती है मुझसे? आप फिक्र ना करें,
आप बरी हो जाएंगे, केस में कुछ ही रखा है, ना जाती दुश्मनी है ना कोई मंसूबा बनती है, और ऐसे केस में फायदा मुझे आप बड़े साहब आप मुझे तसल्लियां दे रहे हैं या सच कह रहे हैं? नहीं, इंशाल्लाह ताला ऐसे ही होगा, अल्लाह बेहतर करेगा। बेटा तू फिक्र ना कर, बस मेरी छोटी सी बात मान, मलकों से राजी नामा कर ले, माफी मांग ले उनसे बेटा। मुलाकात कब तक हुआ? मेरा ख्याल चलना चाहिए। ठीक है सर, खुदा। मुझे धमकियां मिल रही मैडम के मेरी बच्ची को अगवा कर लिया जाएगा, इसलिए मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी और शायद कल से आपके दरवाजे पर पुलिस मौजूद होगी। मैं सोचा आपको बता दूं। माँ ने मुझसे जिक्र किया था, लेकिन फैसल साहब हमारे अपने गार्ड्स भी मौजूद हैं। जब बच्ची स्कूल की हदूद में दाखिल हो जाती है तो फिर हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। और वैसे भी सर, आप स्कूल गेट तक तो खुद छोड़ जाते हैं, और गेट से अंदर वो बाकी बच्चों के साथ होती है ना, तो खासी सिक्योर होती है। यू जस्ट डोंट वरी। आई नो कि ये सब धमकियां हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को बताना जरूरी था। ठीक है फैसल साहब, आप अपने गार्ड्स भी रखें, कुछ नहीं होगा। लेकिन जो लोग आपको धमकियां दे रहे हैं, पुलिस उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करती? जी हाँ, मैंने एसपी साहब से बात की है, और हो सकता है जल्दी वो उन्हें गिरफ्तार भी कर ले। आप हमारी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहे। एंड मैडम, मी बीइंग हर क्लास टीचर, सो आई नो हर क्वाइट वेल। वो जितनी ब्रिलियंट है उतनी ही सेंसिटिव भी है। सो सर प्लीज, आपसे भी और मैडम आपसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस सारे इशू को उसके नॉलेज में ना लाया जाए, ताकि उसकी स्टडीज डैमेज ना हो। यू राइट, आई एग्री। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज। जिसकी वजह से धमकी वाले फोन आ रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आता पापा से निकाल क्यों नहीं देते हैं। मैं चली जाऊंगी आज ही यहाँ से। पापा छोटी को लेने गए और उसी के लिए धमकी वाला फोन भी आ रहा है। अब क्या होगा भाई, छोटी कहाँ है? पता करो पापा पहुंचे भी कि नहीं। क्या हुआ बच्चा, तुम लोग परेशान क्यों? एनी प्रॉब्लम? मेरी वजह से आज फिर फोन आ रहे हैं, मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैं आप लोगों को किसी और मुसीबत में नहीं डालना चाहती। फिर फोन आया, किसने रिसीव किया? जी मैंने रिसीव किया था। हेलो, देखो बेगम साहब को फोन दो, मैं फैसल बोल रहा हूँ, फैसल बेग। सलाम अलैकुम मिस्टर जावेद। जी फैसल बोल रहा हूँ। जी एक छोटी सी तकलीफ देनी थी आपको, मैं चाह रहा हूँ कि चंद दिनों के लिए आपका आपके घर रहे। जी मेरी मुलाजमा, जब तक उसका वो अदालत से फैसला नहीं हो जाता कुछ, मैं चाह रहा हूँ कि वो आपके यहाँ रहे, खामोशी से रहेगी। जी चंद दिनों की बात है। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस। थैंक यू सर। पापा खामोशी से क्यों? सबको बताएं कि वो जा रही है इस घर से। मैं बता दूंगा, मैं बयान दे दूंगा। आशा जाओ तुम अपना सामान दे। जी अच्छा। सर इमरान बशीर है पापा के चाचा। तो तुम हो इमरान बशीर? जी हाँ। क्या चीज हो तुम? बहुत बड़े बदमाश हो,
दुबई में तुम्हारे अड्डे चलते हैं या दुनिया को तुम चलाते हो? आखिर हो क्या शहर? बोलते क्यों नहीं? कितने कुंडे पाल रखे हैं तुमने? और वो हाँ, क्या नाम है उसका, वो छब्बा टूटिया वाला, बहुत बड़ा क्या नाम है वो? आज शाम तक तुम्हारे सारे बंदे मुझे यहां चाहिए और तब तक तुम यहीं रहोगे, यहीं, समझे? सचो साहब, मुझे आज शाम तक इसके सारे बदले चाहिए, जहां जहां है उन्हें तलाश करके ले आओ, वरना शाम को मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ओके सर, सरकार आप इंसाफ करें, मेरी भतीजी उसके पास है, वो मुझे वापस लाए। मैं इंसाफ करूं? तुम्हें कानून का पता है? वो लड़की बालिग है, वो जहां जाए वो वही रहेगी। जाओ पूछो अपने वकील से, जाओ। हाँ, वो एक बात याद रखना, उसको कानूनी तहफ्फुज़ हासिल है, उसकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखी। भेजो इसको, उसको मेरी आंखों से दूर करो और शाम तक सारे मुजरिम पकड़ के ले आओ। चलो। छोड़ूंगी नहीं, जाओ जाओ, बताओ जिसको बताना है, जाओ यहाँ से। भाई भाई देखे ना, मैं क्या करूँ? आप ऐसा करें, आप जाके कंप्यूटर पे गेम्स खेलें, मुझे वो नहीं अच्छे लगते। तो फिर आप मान जाए, आप ऐसे करें, पापा की शादी करा दें। आपको कैसी लगती है वो? सही है। हेलो, कोई है? छोटी। हेलो, क्या ले सकते हो? क्या हो रहा है? भूख लगी है किसी को? हाँ, चॉकलेट ब्राउनीज लाई हूँ, सैंडविचेस हैं और ठूठियाँ छोटी के लिए, तो बहुत पसंद है ना? ये खुद एक ठूठी है। अरे भाई, मैं कुछ छोड़ूंगी नहीं। आंटी, मुझे तो गर्मी में भूख लगी है, बर्गर खाने तो बाहर चले। आप ऐसा करें, इन लोगों को ले जाएं घर के लेना। हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ, फोन करना ना आपने। अच्छा जी, तंग नहीं करो, जल्दी से चप्पल पहनो, फटाफट आ जाओ। चलो जल्दी। अरे बेटू, क्या कर रहे हो? अरे बस चुप, हंसो मेरी, आप मुझे बाबा आ गए, मुझे हाथ रखो। क्या बात है भाई, तो शरारत हो रही है? छोटी, तुम बताओ क्या बात? यो लगता है इस घर में कोई और भी मौजूद है। भाई लगता है पकड़े गए। तो फिर पापा को बता दें। क्या प्रॉब्लम? ये ओके, काटे ना पापा, जल्दी काट रहा हूँ। खोले ना, चले ना अंदर। तो आप सरप्राइज।